वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को चौथा क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ। ध्यान से देखो कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें है कासेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो हम एक को चेंज करेंगे, चाहे कासेक को चेंज करें चाहे सेक को चेंज करें। तो हम क्या करेंगे, इसको सेक को हम चेंज कर देते हैं, कासेक को वही रहने देते हैं। चाहे कासेक को चेंज कर दो, सेक को वही रहने दो, एक चेंज करना है बस। और उसका जो चेंज करेंगे, जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं तो इसका इसका एंगल लेंगे, थीटा की जगह पे ये होगा। ठीक, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं देखो। कासेक 31 डिग्री है माइनस सेक 59 डिग्री है, ये हम इसको सिर्फ एक चेंज करेंगे सेक वाला। कासेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे एक फार्मूला है, क्योंकि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कासेक थीटा, कासेक थीटा ये होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कासेक थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या होगा 31 होगा, 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 डिग्री है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कासेक थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे जो है इसको वैसे लिख दो, कासेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कासेक थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है 31 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा कासेक 31 डिग्री। ओके, इस तरह से हुआ कासेक 31 डिग्री, कासेक 31 डिग्री सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, ऐसे काट देंगे, आया इसका मान क्या 0, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।